डबरा में बीते दिनों कांग्रेस नेता राजेंद्र राणा के बेटे धर्मवीर की मौत के मामले में कई पहलू पुलिस जांच में निकलकर अब तक सामने आए थे, जिसमें मृतक के प्रेम विवाह को उसकी मौत का कारण बताया जा रहा था, जिसको लेकर पुलिस पॉलिटिकल एंगल और विवाद जैसे कई पहलुओं की जांच कर रही थी। आपको बता दें कि धर्मवीर का शव पुलिस को रामगढ़ के पास एक नाले में पड़ा मिला था। तभी पुलिस को छानबीन में एक सीसीटीवी का वीडियो मिला, जिसमें दो लोग मृतक को ठेले पर ले जाते दिखे, जिससे मामले में ये साफ हो गया था कि मृतक धर्मवीर की हत्या हुई है, जिस पर से पुलिस ने मंगलवार को पर्दा उठा दिया। जांच में दो आरोपी छोटू और महेंद्र कुशवाहा निकलकर सामने आए हैं। आरोपियों का मृतक के साथ पैसे के लेन देन का विवाद था, जिसको लेकर आरोपियों ने मिलकर मृतक को शराब पिलाकर छत से नीचे फेंक कर घटना को अंजाम दिया। क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी, शरीर से उसका खून निकल रहा था, सर से कान से। मालूम करने पर पता चला कि खेरा जाट उसका नाम है और पास के सहराई गांव का रहने वाला है। पुलिस ने बड़ी बारीकी से इसमें विवेचना की। सूक्ष्म रूप से धंधा कातिल था। आसपास के सीसीटीवी फुटेजों से तथा अन्य लोगों से पूछताछ पर पता चला कि छोटू कुशवाहा और उसका भाई महेंद्र कुशवाहा जो आज तक अपराधी भी है, चोरी आदि के उन पर पहले भी कई मामले पंजीकृत थे, उन्होंने इसकी हत्या कर दी है। हत्या के बाद से छोटू कुशवाहा और महेंद्र कुशवाहा काफ़ी लंबे भाग गए थे। पुलिस अधीक्षक महोदय के सख्त निर्देशों के चलते लगातार पुलिस उनकी गिरफ्तारी का प्रयास कर रही थी। अभी हाल ही पुलिस ने नागपुर से इन दोनों को गिरफ्तार करने में सफलता मारा। क्यों? शराब पीने के आदि थे। शराब के नशे में ही दोनों पक्षों में आपस में झगड़ा हुआ। कुछ पुराना पैसे के लेन देन का विवाद भी था, जिसको लेकर छोटू कुशवाहा और खेरा जाट की बहस हुई। शराब के नशे में खेरा जाट ने उनको गाली गलौज किया और उसी बात पर गुस्सा होकर इन्होंने उसको जान से मारने के लिए से अपने घर की छत से नीचे फेंक दिया। हत्याकांड में एक ही था आरोपी? आरोपी छोटू कुशवाहा है और उसका भाई महेंद्र जाट दो है। महेंद्र कुशवाहा दो जी, एक पकड़ा गया है। दोनों ही पकड़े गए नागपुर से। दोनों ही पकड़े गए। क्या कहीं और की थी इसकी? आरोपियों ने अपने घर के छत पर शराब पीने के दौरान उसकी हत्या की है। उसके बाद उसको लाश को छुपाने के उद्देश्य से या साक्ष को मिटाने के उद्देश्य से एक चार पहिए के ठेले, जिस पर कि वो सब्जी बेचते थे आरोपी, उस ठेले में डालकर वो ले गए और रामगढ़ की पुलिया के पास नाले में फेंक दिया। तो सवेरे लाश कैसे मिली आपको? सुबह आसपास के लोगों से एक जन चर्चा आई कि कोई व्यक्ति पड़ा हुआ है, नाले में कोई व्यक्ति पड़ा हुआ है, कुछ खून भी निकल रहा है। चर्चा पर सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। जब उसको निकाला तो मृत अवस्था में था, शरीर से खून निकल रहा था। मर्द कायम करके जब जांच की आसपास के सीसीटीवी फुटेज के लिए तो घटना का खुलासा हुआ। नाक टूटी थी उसकी? कौन था वो व्यक्ति? खरहा जाट सहराई गांव का रहने वाला था। खरहा जाट। उम्र कितनी थी उसकी? उम्र लगभग 30 से 35 वर्ष। एक महीने में आपने हत्याकांड का पर्दाफाश कर लिया? पर्दाफाश तो लगभग हमने 12 घंटे में ही कर लिया था जी। लेकिन चूंकि आरोपी लंबे चले गए थे, उनके पास कोई संचार के साधन ऐसे नहीं थे जिससे वो कनेक्टिविटी में आ सके। अच्छा, अच्छा। तो उनको पकड़ने में इस वजह से इतना समय लग गया। इन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया कि हमने से? आरोपियों ने अपना जुर्म पूर्ण रूप से स्वीकार किया है, कबूल किया है। और अब अगली कार्रवाई क्या होगी आपकी? आरोपियों को अभी PR पे ले रखा है। संपूर्ण पूछताछ होने के बाद उसको न्यायालय पेश करेंगे। 3 दिन का PR जी। धन्यवाद।